सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो सब बात करते हैं एक ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि शायद से फिर से होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी वर्सेस एल्विस यादव के बारे में। पास्ट का कंट्रोवर्सी आपको पता ही होगा इनका। ध्रुव राठी कई बार एल्विस यादव को पोक कर चुके हैं एंड एल्विस यादव भी ट्वीट्स वगैरह के थ्रू ट्रोल कर चुके हैं ध्रुव राठी को। और जो रिसेंटली एल्विस यादव ने तो एक वीडियो निकाला था ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए, तो शायद से उसी वीडियो का रिप्लाई ध्रुव राठी देने वाला है, क्योंकि वो आज अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे न्यू वीडियो कमिंग सून एंड एल्विस यादव का फोटो आप देख सकते हो, उन्होंने जोकर बना रखा है। और जो बता दो, ध्रुव राठी के इसी इंस्टाग्राम स्टोरी को असीम रियाज भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किए। इतना ही नहीं, एल्विस यादव ने भी ध्रुव राठी ने जो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया उसके ऊपर रिएक्ट करा है। वो एक टिप दिए ध्रुव राठी को, वो कहे पॉइंट्स काउंटर जरूर करना, और पर्सनल का क्या है, पर्सनल तो कोई भी चला जाए, शेंगन वीजा लगवा लिया हमने भी। और यहाँ पे एल्विस यादव को बात हुई तो बात करते लव कटारिया वर्सेस नेजी के बारे में। ये दोनों के बीच में एक दिन पहले बिग बॉस के घर में लड़ाई हो जाता है, काफी टाइम तक चलता है आर्ग्यूमेंट। नेजी कटारिया को कुछ ऐसा बोल देते जिसकी वजह से एल्विस यादव बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेजी कटारिया को बोलते अबे गांव के जाके भैंस चरा, दूध निकाल, तेरी औकात क्या है चने, थूक दूंगा तेरे को। इसके बाद कटारिया भी रिप्लाई दिए थे तू है कौन, तेरे ऐसे रैप्टे मारूंगा ना। और जो वो नेजी को बोलते हैं ऐसे आंख मत दिखा, आंख निकाल के फेंक दूंगा। तो उसी लड़ाई के ऊपर एल्विस यादव रिएक्ट करे, वो एक ट्वीट किए गांव का मतलब अगर भैंस चराना होता है तो नेजी भाई आप आओ, आपको चारा खिलाते। और जो आज वाले व्लॉग में भी वो नेजी वर्सेस कटारिया का जो लड़ाई हुआ था उसके ऊपर रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। नेजी भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे किस मुद्दे में क्या लड़ाई वड़ाई बचती है, तुम ना गलत तरीके से उसको ले रहे हो कटारिया को ना। तुम समझते हो कि कटारिया इज वेरी प्रिपेयर्ड, वेरी प्लान्ड और सारी चीजें वो करके आया है, और तुम उसको उसी नजरिए से जज करते हो। कटारिया भी कह रहा कि ये तो मेरा हेटर है। भाई क्या काम कर दिया नेजी ने हेटर बनने का। भाई देखो मैं तो ये चाहता हूँ, देखो लड़ाई झगड़े इस टाइप के ना हो। आप अगर सम पीपल जो लोग गाँव से होते हैं भाई, उनको क्यों बुरा बोल रहे हो तुम, है ना भाई। अब ये भी गाँव से है, किसी गाँव से, गाँव में खेती करते हैं ठीक है, तब तो आप लोग दूध पीते हो, खाना खाते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, विराट कोहली के एक बहुत ही बड़े फैन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो विराट कोहली को देख नहीं पाता। यस, एक दिन पहले मुंबई के मरीन ड्राइव में विक्ट्री पैरेड था, जहाँ पे लाखों फैंस आए हुए थे। वहीं पे सोलापुर से एक फैन आया था विराट कोहली को देखने, लेकिन वो देख नहीं पाता, जिसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता। मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। विराट कोहली नहीं दिखा मेरे को, एक बार भी नहीं दिखा, सिर्फ एक बार। पुलिस भी आकल रहे मेरे को, एक ही बार देखूंगा मैं। अच्छा, विराट कोहली को देखने के लिए कहाँ से? मैं सोलापुर से आया। कितनी देर सुबह दोपहर को दो बजे आया। दोपहर को ही इधर आगे रुका था, फिर भी नहीं दिखा। यहाँ सब लोग सर थे, बोला दिखेगा, नहीं दिखा। अभी बोल रहे जा घर को, मैं नहीं जाऊंगा इधर से। दोपहर से आए थे तो फिर विक्ट्री परेड में देखा विराट कोहली को? नहीं दिखे, देखो दिखे ही नहीं है। तो जो ओपन बस में जो जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम इंडिया थी, उसमें भी नहीं दिखे विराट? नहीं उसमें नहीं दिखे, उसमें ही नहीं दिखे। रोहित दिखा, सब लोग दिखे, रोहित विराट कोहली ने दिखा। विराट कोहली लेकिन उसी बस में? नहीं, इधर आने के बाद बाहर आए बोलते हो। और जैसे कि बताया विक्ट्री पैरेड में लाखों फैंस आए थे, उसी के ऊपर आइसलैंड क्रिकेट रिएक्ट करे। वो कहे इन दिस फोटो ऑफ इंडिया वर्ल्ड कप पार्टी यू कैन सी 20 टाइम्स मोर पीपल देन आर नेशनल पॉपुलेशन। वो होता है ना, यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं उतना तो हमारा कंट्री का पॉपुलेशन भी नहीं है। और बता दूं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कैश प्राइज ऑफ 11 करोड़ रुपीज फॉर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे एंड यशस्वी जायसवाल। ये चारों ही प्लेयर्स बता दूं महाराष्ट्र से, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 11 करोड़ रुपए का कैश प्राइज। वो 11 करोड़ रुपीज वो एक दूसरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल्सो सुरेश रायना ने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट किया विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के लिए। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया? टू रिटायर जर्सी नंबर्स 18 एंड 45, मतलब कि 18 जो कि विराट कोहली का जर्सी नंबर है एंड 45 जो कि रोहित शर्मा का जर्सी नंबर है, उसको रिटायर किया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दे आर लेजेंड्स। एंड रिसेंटली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी लिया। तो सुरेश रायना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई भी क्रिकेट प्लेयर को 18 एंड 45 नंबर का जर्सी नहीं मिले, वो सिर्फ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली
कोहली को बिलोंग करता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा का कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता होगा, बहुत ज्यादा डिवोर्स रूमर्स वगैरह फैल रहा है। बीच में तो बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक पीआर कैंपेन है। जो हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था आईपीएल के दौरान, जब उन्होंने कैप्टनसी लिया मुंबई इंडियंस का, उसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पीआर कैंपेन चलाया गया, ऐसे बहुत सारे लोग बता रहे थे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नताशा ने एक भी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं पोस्ट किया और वो फाइनल देखने भी नहीं गई थी। इसके बाद जो डिवोर्स रूमर्स है वो और ज्यादा फैलने लग गया। कल था अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का संगीत सेरेमनी, वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज गए अपने पार्टनर के साथ, लेकिन हार्दिक पांड्या अकेले गए, जिसे देखकर बहुत सारे फैंस को बुरा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, पुणे सुपरस्टार के बारे में। तो कुछ दिन पहले पुणे सुपरस्टार राउंड 12 से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे वो बताए थे कि राउंड 12 में कुछ टैलेंट नहीं है। तो आज उन्होंने हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया, आप देखिए। भाई ये हर्ष बेनीवाल लोगों की वीडियो में जाके कमेंट करता है कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है, तो मैं हर्ष बेनीवाल को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई तेरे में क्या टैलेंट है, डांस तुझे आता नहीं, कॉमेडी तुझे आती नहीं, हंसाना किसी को आता नहीं, कंटेंट तेरे को नहीं आता, सिर्फ लड़कियों के साथ एक दो सॉन्ग कर लिए तो तू बन गया क्रिएटर, तेरे में क्या टैलेंट है बेटा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जिंदगी में कभी बिग बॉस नहीं जा पाएगा, ना बिग बॉस वाले तुझे लेने के, ध्यान रखियो इस चीज को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, लिवर डॉक्टर वर्सेस समंथा रुद्र प्रभु के बारे में। तो दो दिन पहले समंथा रुद्र प्रभु अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जहाँ पे बताया अगर तो कॉमन वायरल होता है तो मेडिसिन लेने से पहले एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ट्राई करो, एंड वो एक ऑप्शन भी दी, नेबुलाइज विद अ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिस्टिल्ड वाटर। बेसिकली यहाँ पे वो बता रही है कि रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनहेल करो, फिर वो कहते हैं ये जादू की तरह काम करता है, अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिसिन। तो इसका था लिवर डॉक्टर रिप्लाई की, वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया अस्थमा एंड एलर्जी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का, जहाँ पे उन्होंने लोगों को वार्निंग दे रखा है टू नॉट नेबुलाइज एंड ब्रीथ इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि वो हेल्थ के लिए डेंजरस है। फिर लिवर डॉक्टर लिखते हैं, रैशनल एंड साइंटिफिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दिस वुमन विल बी चार्ज विद एंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ एंड फाइंड और पुट बिहाइंड बार्स, शी नीड्स हेल्प और ए बेटर एडवाइजर इन हर टीम, विल इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री और एनी हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी डू समथिंग अबाउट दिस सोशल मीडिया हेल्थ इन्फ्लुएंसेस डैमेजिंग पब्लिक हेल्थ और विल दे रिमेन स्पाइनलेस एंड लेट पीपल डाई। यहाँ पे वो बताया कि उन्होंने जो शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, उसके वजह से उनको फाइन लग सकता है या फिर वो जेल भी जा सकती है फॉर एंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ। तो इसी का समंथा रुद्र प्रभु भी रिप्लाई की, वो तीन इंस्टाग्राम पोस्ट की है, काफी लंबा, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। वो कहीं पिछले कुछ सालों से उनको बहुत अलग अलग किस्म के मेडिसिन लेना पड़ रहा है, वो सब कुछ ट्राई की एंड उनको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा स्ट्रांगली एडवाइस किया गया था टू इनहेल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर समंथा रुद्र प्रभु बताए उन्होंने उनके डॉक्टर को भी टैग किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया था, तो वो उनको डायरेक्टली बोल सकते थे, वो अच्छा होता। तो यही है भाई पूरा मैटर। तो ना इसी कॉन्ट्रोवर्सी का एक आर्टिकल लिखा द वीक ने, उसको अपने ट्विटर पर शेयर किया। वो आर्टिकल का हेडलाइन क्या था, समंथा रुद्र प्रभु रिएक्ट्स आफ्टर साइंस इन्फ्लुएंसर लिवर डॉक्टर कॉल्स आउट हर स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स। तो लिवर डॉक्टर लिखे, स्टार इन एटलीस्ट 50 मूवीज हेल्थ इन्फ्लुएंसर, स्टडी मेडिसिन फॉर 11 इयर्स, प्रैक्टिस फॉर 10 इयर्स, साइंस इन्फ्लुएंसर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, यूपी गाजियाबाद के दो इंस्पेक्टर के बारे में। तो दो इंस्पेक्टर को रील बनाना पड़ गया बहुत भारी। जैसे दो पुलिस वाले वो एक जन के साथ रील बनाते हैं, वो रील कौन सा है आप देख सकते हो, पुलिस वाले यूनिफॉर्म में। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया दो इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में, उन्होंने दोनों को सस्पेंड कर दिया एंड वो जो बंदा है जिसके साथ वो रील बना रहे उसको अरेस्ट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही इमोशनल वीडियो के बारे में जिसको कि काफी सारे लोग शेयर कर रहे हैं। ये न्यूज है रिलेटेड टू कैप्टन अंशुमन सिंह। तो 19 जुलाई 2023 के दिन सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी के बंकर में अचानक आग लग गई थी एंड जैसे ही कैप्टन अंशुमन सिंह ने जवानों को आग के बीच देखा वो बंकर में घुस गए। उन्होंने चार जवानों को सेफली बाहर निकाला लेकिन वो खुद अंदर फंस गए जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो उसी हीरोइक एफर्ट के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र दिया कैप्टन अंशुमन सिंह को, उनके फैमिली को दिया गया। इसके बाद कैप्टन अंशुमन सिंह की जो वाइफ है उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, काफी इमोशनल वीडियो है, आप देखिए। सो वी मेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड आई वुड नॉट बी ड्रामेटिक बट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट एंड आफ्टर अ मंथ ही गॉट सिलेक्टेड इनटू एएफएमसी। We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So, super intelligent guy. So, from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So, we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true.
but it's okay. He's a hero. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। एक दिन पहले मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुका है Amazon Prime पर। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। अपना रिव्यू जरूर से कमेंट करके बताना। अब क्या हो रहा है, कुछ लोग पेटिशन साइन किए टू डिक्लेयर 5th जुलाई एस नेशनल बिंज वॉच डे, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुका है। यस, मिर्जापुर सीजन 3 का हाइप आपको पता ही होगा कितना टाइम से था। लोग भाई लिटरली पेटिशन फाइल कर रहे, 32,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई 5th जुलाई को नेशनल बिंज वॉच डे अनाउंस कर दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा का रिसेंटली जाहिर इकबाल के साथ शादी हो चुका है, एंड शादी के बाद उनको पहली बार स्नैप किया पापराजी ने। जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, फैंस स्पेकुलेट करने लगे कि क्या वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसी रूमर के ऊपर सोनाक्षी सिन्हा रिएक्ट करी, वो कही द ओनली चेंज इज अब हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप निकलो लोगों को लगता है आप प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे वो बता रही ना, अगर तो पापराजी उनको हॉस्पिटल जाते वक्त कैप्चर करते हैं तो लोग स्पेकुलेट करने लगेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आइसो स्पीड के बारे में। कल था यूरो कप का क्वार्टर फाइनल पोर्चुगल एंड फ्रांस के बीच में, एंड वो मैच पोर्चुगल हार गए। एंड आपको पता होगा पोर्चुगल में कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड आइसो स्पीड कितने बड़े फैन है रोनाल्डो के, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे पोर्चुगल हारते हैं आइसो स्पीड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो एक बार टेबल में ना जोर से मुक्का मारते हैं जिसकी वजह से उनको चोट भी लग जाता है। ऑल्सो एक जन ने आइसो स्पीड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया हुआ बूट्स गिफ्ट करता है। इसके बाद आइसो स्पीड का क्या रिएक्शन था आप खुद देखिए। And we did bring you a very special gift from the bunker team. Uh-huh. It's an original signed Cristiano Ronaldo 2. Let's go! Let's go! Wait, what? You can't open it. It's for you. You have to put that on the wall. I can't open it? You can't. Not yet. If you want it, you can do it at home, but not yet. Thank you, bro! For sure. Oh, for sure. We got a Ronaldo signed boot! Oh my God, I can't wait to sniff his feet. Oh, man. Let's go! तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, रॉनी के बारे में। तो अमेज़न से अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो तो आपको पता होगा आप रिव्यूज दे सकते हो। तो रॉनी एक ऐसा रिव्यू दिखा एक बंदे का जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑर्डर ही गलत किया था। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, आप खुद रॉनी का इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए। गाइस, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसे अमेज़न पे चीजों पे क्यों लिखा होता है स्विच ओलेड एंड एक्सेसरीज डज नॉट इंक्लूड। ये देखो, यहाँ पर ये एक केस बिक रहा है निंटेंडो स्विच के लिए, और इसको एक भाई ने बहुत ही ज्यादा प्यार से दिया है 1 स्टार का रेटिंग, और लिखा है द बॉक्स वॉज एम्प्टी। इसने लिटरली डब्बा खोल के दिखाया और अंदर खोल के बता रहा है कि इसके अंदर निंटेंडो स्विच तो आया ही नहीं। तुझे क्या लग रहा है, ₹500 में कहां से मिलेगा तेरे को निंटेंडो स्विच? तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।